जिथे 32 किसान जथेबंदियां दी मुख्यमंत्री चन्नी नाल पहली बैठक होन जा रही है। मुख्यमंत्री नूं 32 किसान जथेबंदियां दा वफद अज मिलेगा। सवेरे करीब 11 बजे यह मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री सामने अपनियां मंगां जो है रखियां जाणगियां। मुख्यमंत्री नाल मीटिंग तो पहला किसान जथेबंदियां आपस च बैठक कर रही ने। किसानां दी कर्जा मुआफी ते मुआवजे समेत कई मुद्दे जो ने चुके जाएंगे। इस वक्त की वड्डी जानकारी, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नाल 32 किसान जथेबंदियां दी पहली बैठक होने जा रही है। सवेरे करीब 11 बजे यह बैठक होगी। यह तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते एक्सकलूसिव तस्वीर, जिथे मुख्यमंत्री दे नाल मीटिंग तो पहला किसान जथेबंदियां आपस च मुलाकात कर रही ने, बैठक कर रही ने कि कुछ मुद्दे जो ने मुख्यमंत्री दे सामने रखे जाएंगे। किसानां दी कर्जा मुआफी का मुद्दा है, मुआवजे का मुद्दा है, कई मुद्दे जो ने मुख्यमंत्री दे सामने अज ए 32 किसान जथेबंदियां रखणगियां। ते मुख्यमंत्री दे नाल मीटिंग तो पहला 32 किसान जथेबंदी आपस च मीटिंग कर रही ने, बैठक कर रही ने कि कुछ मुद्दे जो ने मुख्यमंत्री दे सामने अज पेश किते जाणगे। इस वक्त की वड्डी जानकारी तुहानू दस दईए, 32 किसान जथेबंदियां दी मुख्यमंत्री नाल पहली बैठक होगी। सवेरे करीब 11 बजे यानी कि अद्धे घंटे का समय रह गया। इस तों बाद मुख्यमंत्री दे नाल मीटिंग करनगे। मुख्यमंत्री सामने अपनियां मंगां जो ने रखियां जाणगियां। मुख्यमंत्री नाल मीटिंग तो पहला किसान जथेबंदी आपस च बैठक कर रही ने कि कुछ मुद्दे जो ने अज मुख्यमंत्री दे सामने रखे जाणगे। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते असीं तुहानूं एक्सकलूसिव तस्वीरां एक्सकलूसिव फुटेज जो है दिखा रहे हैं कि किस तरीके नाल 32 किसान जथेबंदी आपस च बैठक कर रही ने कि कुछ मुद्दे जो ने अज मुख्यमंत्री दे सामने रखे जाणगे। किसानां दी कर्जा मुआफी दा मुद्दा होवे, मुआवजे दा मुद्दा होवे, कई मुद्दे जो ने जो अज मुख्यमंत्री दे सामने रखे जाणगे, इस नूं लैके विचार विमर्श जो है कीता जा रहा है। 32 किसान जथेबंदियां अज मुख्यमंत्री दे नाल पहली बैठक करेंगी। 32 किसान जथेबंदियां दा वफद जो है अज मुख्यमंत्री दे नाल पहली बैठक करेगा। सवेरे करीब 11 बजे दा समां जो है दिता गया है। अपनियां मंगां जो है रखियां जाणगियां, लेकिन उस तों पहलां ही 32 किसान जथेबंदी आपस च बैठक कर रही ने कि कुछ मुद्दे जो ने अज मुख्यमंत्री दे सामने रखे जाणगे, इस नूं लैके चर्चा जो है कीती जा रही है। एक्सकलूसिव तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हां। 32 किसान जथेबंदियां अज सीएम नूं मिलणगियां। सो अपने कई मुद्दे जो ने, अहम मुद्दे जो ने सीएम दे सामने रखे जाणगे। किसानां दी कर्जा मुआफी दा मुद्दा होवे, मुआवजे दा मुद्दा होवे, कई अहम मुद्दे जो ने अज 32 किसान जथेबंदियां पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दे सामने पेश करनगे। सो मुख्यमंत्री नूं अज 32 किसान जथेबंदियां दा वफद जो है मिलन जा रहे हैं। इस खबर से ज्यादा जानकारी देने लई बजम साडे नाल जुड़ गए ने। बजम, जानकारी की कुछ है? एक्सकलूसिव तस्वीरां असीं अपने दर्शकों नूं भी दिखा रहे हैं कि 32 किसान जथेबंदियां आपस च बैठक कर रही ने, ते इस तों बाद 11 बजे दा समय पंजाब सीएम दे नाल मीटिंग करनगे। की कुछ अपडेट तुहाडे कोल? देखो बिल्कुल करीब जिहड़ा है होर 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DAP ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 665 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਰਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ 18 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ
अजमनिया जाती है क्योंकि देखो जे राजनीतिक तौर पर देखिए आप 2022 जो है बहुत नेड़े है, दो महीने का समा जो रह गया है तो कितना कितने किनिया सरकार जो खुश कर दी है किसानों अज यह जरूर देखना होगा, पर नाल दे नाल की कुछ जिहड़ियां मंगां ने मनिया जाणगियां ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਜ਼ਮ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। वैसे तो 2022 भी नेड़े है कि लगता कोई आस है अज जिन्नियां मंगां ने मनियां जाणगियां सारियां? देखो जी अज इन्हां ने सीएम साहब ने सद्या, असीं इसे लई पहुंचे हाँ, मंगां रखणियां ने असीं, जे नहीं मन्नणगे जिथे उत्थे मोर्चा चलदा पंजाब च मोर्चा ला देंगे, मोर्चे तो बिना कोई हल नहीं। किसान अज खुदकशियां ते राह पिया होया, जिन्ना चिर साडा मसला हल नहीं हुंदा साडियां जमीनां खो रही आ सरकार वो असीं खोण नहीं देवांगे, असीं चाहे सानूं पंजाब च वी पंजाब सरकार खिलाफ मोर्चा लैणा पै गया तां लावांगे असीं। पर लगता है चोणा नजदीक ने, लगता है कि किसानों को नाराज़ नहीं कर सकती सरकार इस वेले। ठीक है बजम, तुसी अपनी गलबात जो है किसानों नाल जारी रखो, असी होर अपडेट अगे लेंदे रहांगे। फिलहाल समा चले कि छोटे जे ब्रेक तक।